आज हम देखेंगे एक डेरिवेशन जो हमारे बोर्ड के एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ये डेरिवेशन क्या है उसे हम रीड कर रहे हैं। आप बोर्ड पे अपना क्वेश्चन देख लीजिए। लिखा है, वैद्युत स्थैतिकी में गॉस की प्रमेय का उल्लेख करिए, जो आप परिभाषा है आराम से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसकी सहायता से अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। ये एक तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि सिग्मा आवेश घनत्व वाले किसी अनंत विस्तार के समावेशित पृष्ठ के निकट r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखिए। तीसरे तरीके से यही क्वेश्चन कर सकता है कि अनंत समतल आवेशित अचालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आराम से इसे हम कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन तो आपने देख लिया, अब समझिए। देखिए, यहाँ पे आवेशित अचालक प्लेट की बात कर रहा है, या हम इसको थिन सीट भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों चीजें, अगर दोनों तरीके से क्वेश्चन आता है तो हम, मतलब अगर पतली सीट की बात करें तो हम उसको भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, आवेशित अचालक प्लेट है, तो अगर इसको आवेश दिया जाए तो आवेश दोनों तरफ होगा, आवेश दोनों तरफ, या चालक प्लेट भी है, थीन है, बहुत पतला है, तब भी जो आवेश हैं वो उनके पृष्ठ पर चले जाते हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम है। तो देखिए, अगर हम इनको आवेश प्रोवाइड करें तो आवेश, जितने भी आवेश इनके पास होंगे वो इधर आ जाएगा और वही आवेश फिर इधर भी आ जाएंगे। ठीक है, मतलब हम बोलेंगे कि आवेश इधर भी होंगे और इधर भी होंगे। तो जब दोनों तरफ आवेश होंगे तो दोनों तरफ वैद्युत क्षेत्र मिलेगा। अब हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कि देखिए, इससे हम आर दूरी पे चले जाते हैं, आर दूरी पर एक पॉइंट पी ले लेते हैं। इस पॉइंट पर हमें देखना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसे हम गॉसियन, अगर गॉसियन प्रमेय के थ्रू करें तो देखिए कैसे करेंगे। हम कहेंगे कि ये जो छोटा सा टुकड़ा है इसे हम गॉसियन पृष्ठ के अंदर ले जाएं। तो जब हम गॉसियन पृष्ठ के अंदर ले जाएंगे तो देखिए कैसे होगा ये, कि हम इसको ऐसे बना सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे, देखिए क्षेत्रफल हमने लिया, यहां से बहुत छोटा सा क्षेत्रफल लिया। अब देखिए, इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी इधर को होगी, तो हम इसे लिखेंगे ई वेक्टर। ठीक, जैसा अब इसके क्षेत्रफल की बात करें तो यहां से क्षेत्रफल जो मिलेगा वो छोटा सा क्षेत्रफल डी ए वेक्टर मिलेगा। ठीक है, तो हम इसे यहां चाहें तो लिख लें, तो हम बोल देंगे डी ए वेक्टर। तो जो इसका क्षेत्रफल हुआ वो डी ए वेक्टर हुआ। अब देखिए, जैसा इधर बना है वैसा ही हम इधर भी बना सकते हैं। तो जब सेम सेम आर दूरी पर ऐसा ही बनाएंगे तो जैसा फोटो यहाँ पे है वैसा ही फोटो यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे भी वैद्युत क्षेत्र इधर, जो क्षेत्रफल सदिश आएगा वो भी इधर को आएगा, ऐसे ही होगा। ठीक है, जो सारी चीजें इधर वही चीजें इधर भी होंगी। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया गया था, या तो आवेश के रूप में दिया गया होगा, जो ये आवेश है वो तो या तो आवेश के रूप में दिया हो गया या तो सिग्मा के रूप में दिया होगा। तो दोनों के रूप में दिया होगा, हम दोनों तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो सरफेस है, तो एक तो यहाँ से फ्लक्स पास हो रहा है, एक फ्लक्स पास हो रहा है यहाँ से। ठीक है, तो दूसरा पेस्ट ये मान लेते हैं, उसी तरीके से हम तीसरा ये मान लेते हैं, ये वाला चौथा मान लेते हैं, ये वाला। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे क्षेत्रफल की, तो इसके लिए पहले पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल और ये दोनों एक ही दिशा में है। दूसरे पृष्ठ के लिए बात करें तो वैद्युत क्षेत्र तो इस दिशा में है, लेकिन जो क्षेत्रफल सदिश है वो इसके लंबवत है, ये क्षेत्रफल सदिश है। यहाँ की बात करें तो क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में है, और ठीक है, लेकिन यहाँ की बात करें तो इस पृष्ठ के लिए जो क्षेत्रफल सदिश है वो ऊपर की तरफ होगा।
तो देखिए क्षेत्रफल सदिश हम ए डैश मान लेते हैं, यहाँ पे भी ए डैश मान लेते हैं। बात समझ आ रही है? तरीका क्या होता है? जो तरीका बाकी डेरिवेशन में हमने यूज किया था वही तरीका होगा कि फर्स्ट जो आएगा वो आएगा फाई इज इक्वल्स टू, इसमें गॉसियन पृष्ठ ये इज इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो सेकेंड इक्वेशन हमारा हमेशा होता था फाई इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्साइलन नॉट। तो जो हम कर पाते हैं वो इसी के साथ कर भी पाते हैं, इसके साथ हम ज्यादा नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम सिग्मा की यहाँ पे बात करें तो सिग्मा बराबर अगर इसका आवेश क्यू है तो क्यू अपॉन ए होता है। ठीक है, मतलब अगर Q की बात करें तो Q इज इक्वल टू सिग्मा ए आ जाएगा, तो सिग्मा ए Q बराबर आ गया है। ठीक है, अब देखिए हम इसकी बात करें फर्स्ट वाले की, तो फर्स्ट वाले में ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये आ जाएगा फाई। तो हम ना फर्स्ट वाले में फर्स्ट की बात कर रहे हैं, मतलब ये फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट में ये आ जाएगा मान लेते हैं फाई, लेकिन क्षेत्रफल छोटा है तो हमें फ्लक्स भी छोटा सा ही मिलेगा। लेकिन जब उसको अपन इंटीग्रेट करते हैं, समाकलित करते हैं ऐसे, तो ये आ जाता है ई और क्षेत्रफल है डी ए। और देखिए हम बात करेंगे कि ई और डी ए के बीच का जो कोण होगा, ई और डी ए के बीच का कोण, तो देखिए ई भी इसी दिशा में है और डी ए भी इसी दिशा में है, मतलब दोनों के बीच का कोण जो थीटा है वो नाइन सॉरी वो 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस 0 डिग्री, तो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा ये ई डी ए, कॉस 0 की वैल्यू होगी 1। अब देखिए यहाँ पे ई तो बाहर आ जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू ई, अंदर बचेगा डी ए। देखिए अगर ये छोटा सा हमने टुकड़ा लिया था, इस छोटे से टुकड़े को अगर जोड़े 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 तो एक बड़ा सा टुकड़ा बनेगा, जिस बड़ा सा टुकड़ा क्या, ये पूरी की पूरी प्लेट बन जाएगी। और इस प्लेट का क्षेत्रफल हम मान लेते हैं पूरा ए के बराबर है, पूरा क्षेत्रफल ए के बराबर है। तो जब इसको आप इंटीग्रेट करते हैं, समाकलित करते हैं, तो आ जाता है ए के बराबर, तो ये आ जाएगा ई ए, मतलब फाई इज इक्वल टू ई ए के बराबर आ गया। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, उसी तरीके से अगर बात करें कि इस जो सेकेंड सरफेस है इसके द्वारा हमें फ्लक्स कितना मिलेगा, तो हम बोलेंगे इस बार कि फ्लक्स फ्रॉम सेकेंड सरफेस। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए फाई इज इक्वल टू जैसा लिखना हो ई डी ए कॉस थीटा। अब देखिए अगर हम इस वाले सरफेस की बात कर रहे हैं तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो ये है, लेकिन जो क्षेत्रफल सदिश है वो ऊपर की तरफ है। तो अगर हम बोल दें कि ये छोटा सा हमने टुकड़ा लिया डी ए डैश, ये डी ए डैश, तो डी ए डैश की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, मतलब दोनों के बीच का कोण 90 अंश है। तो थीटा की वैल्यू तो यहाँ पे 90 अंश है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि कॉस 90 की वैल्यू हो जाती है 0 के बराबर। तो यहाँ से जो फ्लक्स मिलेगा वो कुछ ऐसा ई डी ए कॉस 90, और कॉस 90 अगर होगा 0 तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी 0 के बराबर। तो हम देख रहे हैं कि ये जो पृष्ठ हमने लिया है, ये पृष्ठ जो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है, यहाँ से कोई भी फ्लक्स पास होने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ से भी जैसे हमने यहाँ पे किया था कि इससे कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, उसी तरह फोर्थ वाले से भी कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, मतलब ये भी आ जाएगा 0। तो हम ऐसे मान सकते हैं कि ये था फाई 1, यहाँ से मिलेगा फाई 2, यहाँ से ये मिलेगा फाई 3 और ये हमें मिलेगा फाई 4। तो अगर फाई 1 की बात करें तो ये रहा, अगर फाई 2 की बात करें तो ये रहा, और फाई 2 की वैल्यू आ गई है 0। सिमिलरली अगर बात करें थर्ड सरफेस की, मतलब इससे कितना फ्लक्स पास होगा, तो देखिए जैसा फर्स्ट से मिला है वैसा ही थर्ड से भी मिलेगा, क्योंकि दोनों बातें सेम है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल देंगे फाई 3 की जो वैल्यू आएगी
वो आएगी ई ए के बराबर, ये आ जाएगा, इसे हम थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। उसी तरीके से अगर फोर्थ की बात करें, मतलब 5-4 की, तो 5-4 की भी वैल्यू जीरो के बराबर होगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे अब फाई नेट, तो फाई नेट इज इक्वल टू आ जाएगा 5-1 प्लस 5-2 प्लस 5-3 प्लस 5-4, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए फाई नेट, तो फाई नेट इज इक्वल टू आया 5-1 कितना है, तो देखिए 5-1 है ई ए के बराबर, 5-2 देख लीजिए जीरो के बराबर, 5-3 दिया है ई ए के बराबर, 5-4 की वैल्यू भी जीरो है, मतलब फाई नेट बराबर आ गया है 2, ई ए 2 टाइम ई ए के बराबर आ गया। ठीक है, हम इसे अब मान लेंगे फिफ्थ इक्वेशन, मतलब फिफ्थ इक्वेशन हम मान लिए, तो देखिए फिफ्थ इक्वेशन हमने ये मान लिया, और यहाँ पे जो हमने सेकेंड माना था ये चीज, तो सेकेंड और फिफ्थ दोनों को बराबर करने पर, दोनों को इक्वेट करने पर हम ये इरेज कर दे रहे हैं, क्योंकि इसकी जरूरत अभी है नहीं। हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो फाई नेट है वो, यानी कि हम बोलते हैं सेकेंड और फिफ्थ दोनों को बराबर करने पर, दोनों को आपस में बराबर करने पर, तो सेकेंड देखिए दिया है क्यू इन अपॉन एप्साइलन नॉट इज इक्वल टू 2 टाइम ई ए, ये आ गया। क्यू इन की बात करें तो देखिए जो गॉसियन पृष्ठ लिया था इसमें अगर आवेश की बात करें तो क्यू था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट इज इक्वल टू 2 टाइम ई ए, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना हो तो ई बराबर हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन, ये नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा, 2 टाइम एप्साइलन नॉट ए, क्यू अपॉन 2 टाइम एप्साइलन नॉट ए, इसके बराबर आ गया है। ठीक, अब हम चाहें तो क्यू के, देखिए अगर क्यू दिया होता इसके ऊपर तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती वो क्यू अपॉन 2 टाइम एप्साइलन नॉट ए के बराबर आती, लेकिन अगर सिग्मा दिया होगा तो Q के प्लेस पे हम अब वही चीजें पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि Q इज इक्वल टू सिग्मा ए, तो अब हम इसको इसमें पुट करेंगे तो E बराबर आ जाएगा सिग्मा ए अपॉन 2 टाइम एप्साइलन नॉट ए, तो A से A कैंसिल हो गया, अब देखिए बचा क्या, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 टाइम एप्साइलन नॉट ए। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर कोई थिन सीट है या अचालक प्लेट है तो उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी वो सिग्मा अपॉन 2 एप्साइलन नॉट के बराबर मिलेगी। ठीक है, मतलब यहाँ से एक चीज हमें ये देखने को मिला कि हमें दूरी से कोई मतलब यहाँ पे है ही नहीं, मतलब अगर यहाँ से हम r दूरी पे लें या 2r दूरी पे लें या 3r दूरी पे लें, लेकिन हमें वैद्युत क्षेत्र फिक्स मिलेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। बात समझ में आ गई, तो ये एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन था और इसे आपने अच्छे तरीके से देखा। ठीक है, और इसे आप डायरेक्टली ध्यान भी रखिएगा कि अगर थिन सीट हो या समतल और चालक प्लेट हो तो उसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलती है सिग्मा अपॉन 2 एप्साइलन नॉट के बराबर। ठीक है, तो ये डेरिवेशन काफ़ी अच्छा डेरिवेशन था और इसे करने में भी काफ़ी मज़ा आया, और आप भी एक दो बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ों को अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, एक आध दो बार कर लेंगे ये बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में एक नए डेरिवेशन या नए क्वेश्चंस के साथ। तो आज के लिए थैंक यू।